हम विगत ढाई वर्ष से पूरा देश पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना में पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। अकेले कृषि सेक्टर एक ऐसा था जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया। लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता रहा तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। और भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी। एक ओर अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, एमएसपी का लाभ उन्हें देना, एमएसपी को लागत का डेढ़ गुना कर देना, जहां इसको इसके साथ जोड़ा गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना जैसी महामारी के कारण अगर किसी के रोजगार और नौकरी पर असर पड़ा है तो उसके सामने खाने के लाले न पड़े, बल्कि उसको फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यह भी व्यवस्था दी गई। और 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महीने में दो बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, यही किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होता है। प्रदेश के 119 चीनी मिलों को कोरोना कालखंड में हम लोग चला रहे थे और विगत 5.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का केवल गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार कराने में सफल रही।